नो कॉस्ट हेयर केयर टिप, क्या समझते हैं आप लोग कि मैं आप लोगों को कोई ऐसा प्रोडक्ट दूंगी कि आपको फ्री में मिलेगा और आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों एक बात बताऊं कि जो चीज़ मेहनत करने से आपको हासिल होगी ना, हमेशा ध्यान रखिए वो आपकी ब्यूटी हो, वो आपका करियर हो, वो कोई अचीवमेंट हो, उस चीज़ की ना खुशी बिल्कुल अलग होती है। यहाँ पे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो हम अपनी डेली रूटीन में इतना ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, उन्हीं की वजह से हम कितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें बट हमारे हेयर या स्किन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सबसे पहला टिप, जब हम कॉम्बिंग करते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए, 5 टिप्स बताऊंगी जो आपकी नो कॉस्ट हेयर केयर टिप है। सबसे पहली बात, जब हम कॉम्बिंग करते हैं, सबसे गलत बात करते हैं कि हम अपने बालों को डिटेंगल करना जो स्टार्ट करते हैं वो स्केल्प से करते हैं। हमेशा अपने बालों को डिटेंगल करना जब स्टार्ट करेंगे तो आप लेंथ से करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप स्केल्प से करते हैं तो आपकी स्केल्प पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और बाल खिंचता है और उससे जड़ें आपकी कमज़ोर हो जाती हैं। रिवर्स डायरेक्शन में लेंथ से लेकर रूट तक आपको डिटेंगल करना है। दूसरी बात, क्या होता है कि कोई कोई बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करता है और कोई बिल्कुल भी नहीं करता। ऑयलिंग करने का एक परफेक्ट मेथड है, अगर आपको पूरा हफ्ता तेल डाल के रखना है डाल के रख सकते हैं, बट आपका स्केल्प क्लीन होना चाहिए वीक में 2 times एट एनी कॉस्ट एनी हाउ, सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, आपको ये करना ही करना है। तीसरी बात, जब हम अपने बालों को शैम्पू करते हैं तो हम नॉर्मल पानी यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारी सीरीज़ में बताया है, कितना भी केमिकल वाला शैम्पू हो, कितना भी होममेड हो, अगर आप उसको राइस वाटर, अगर आप उसको कॉफ़ी पाउडर या फिर किसी भी चीज़ में डाइल्यूट करके लगाएंगे तो आपके बालों में एक एक्स्ट्रा शाइन आएगा, एक्स्ट्रा वॉल्यूम आएगा, और जो बेनिफिट आपको वो शैम्पू नहीं देगा वो बेनिफिट ये रेमेडीज़ दे देंगी। आप मेरे वीडियोज़ पे जाइए, स्क्रॉल करिए कि मैंने राइस वाटर बनाना भी बताया है, शैम्पू के साथ डाइल्यूट कैसे किया जाएगा, सारी चीज़ें बताई है। फोर्थ, हम क्या करते हैं जब हमारे बाल गीले होते हैं, मोस्ट ऑफ द वुमेन अपने गीले बालों में कंघा करती हैं, देर इज़ ए बिग नो। कभी भी बिना सीरम के अपने बालों को कॉम ना करें। आपके बाल कितने भी सिल्की हों, कितने भी स्मूथ हों, बट आपको सीरम यूज़ करना ही करना है लेंथ में। सीरम काम करता है एज ए मॉइस्चराइज़र, आपके इसके जो आपके जो हेयर है उसके मॉइस्चराइज़र को लॉक करता है और स्प्लिट एंड होने से बचाता है। और पांचवी बात जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बिल्कुल भी आप गर्म पानी यूज़ नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा सर्दियां हैं तो ल्यूकवॉर्म वाटर ले लेंगे बट गर्म पानी हमें यूज़ नहीं करना। ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें कोई भी हमारी कॉस्ट नहीं लग रही, इसमें कोई भी हमारी मेहनत नहीं लग रही, बट छोटी सी अपनी दिनचर्या को चेंज करके हम अपने बालों को बहुत वॉल्यूमिनस बना सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, कहीं जाइएगा नहीं ढेर सारा प्यार देने के लिए।